यदि आप कोविड पॉजिटिव हो और आप घर पर हो, तो आपको जो मैं आपको पांच काम बता रहा हूँ, यदि आप ये पांच काम करोगे, यदि आप जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो उसी के साथ आपको ये पांच काम करने हैं, फिर देखना आपकी जो इम्यूनिटी कितनी अच्छी होगी और आपको किसी हॉस्पिटल में भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ में ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। यदि आपको कोई भी बीमारी है और यदि आप उसका मुझसे इलाज चाहते हैं या मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो, तो आप जो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू भी अपना कोई क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है, आप बात करते हैं पांच काम। इनमें जो सबसे पहला काम है करना है आपको रेस्ट, आपको प्रॉपर रेस्ट करना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके जो लंग्स है उस पर प्रेशर पड़े या आपको थकान हो। क्योंकि जो कोविड पॉजिटिव में सबसे बड़ी कारण क्या होता है, मतलब सिम्टम्स क्या होता है, थकावट। तो आपको कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है, प्रॉपर रेस्ट करना है बिल्कुल। तो जैसे ही आप प्रॉपर रेस्ट करोगे तो आप देखना आपकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आपको जो फीलिंग है वो भी अच्छी आएगी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रेस्ट करना है, वो भी प्रॉपर रेस्ट करना है। ज़्यादा आपको कोई काम नहीं करना है, घर का कोई काम नहीं करना है या कोई आपको भारी काम नहीं करना है, कोई वजन नहीं उठाना है, प्रॉपर रेस्ट करना है आपको। सेकंड काम करना है आपको न्यूट्रिशन, आपको अपने खान पीन पर ध्यान देना है और स्पेशली आपको ऐसी चीज़ खानी है जो लिक्विड डाइट कह सकते हैं हम इसको, स्पेशली सूप। यदि आप अपनी डाइट में सूप लोगे, ग्रीन वेजिटेबल का आप सूप लीजिए, कहने का यही मतलब कि आपको सॉलिड चीज़ नहीं खानी है, लिक्विड चीज़ ज़्यादा लेनी है। और लिक्विड में यदि आप, लिक्विड का ये मतलब नहीं आपको कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, लिक्विड का मतलब है आप सूप लीजिए तो बहुत बेटर रहेगा। और सूप में आप यदि ग्रीन वेजिटेबल अपना घर पर बनाकर सूप बनाओगे तो उससे आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और अपने आपको हाइड्रेट रखें, हाइड्रेट मतलब आप प्रॉपर पानी पीजिए, पानी की कमी ना रहने दें, ये भी एक तरह का लिक्विड डाइट में आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको वो न्यूट्रिशन लेना है जो आपको हाइड्रेट कर रखे। सॉलिड चीज़ आप ना खाएं, जंक मतलब बाहर का खाना, तली हुई चीज़, ऐसी चीज़ आप बिल्कुल ना खाएं। आपको अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान देना है, क्योंकि यदि आप न्यूट्रिशन पर ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी। थर्ड है, ये तो बहुत रिसर्च में आए जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत सी वीडियो भी बन चुकी हैं और टीवी में भी बहुत डिबेट दिखाई दे रही है, टीवी में बताया जा रहा है कि आप पेट के बल लेटिए। पेट के बल लेटने से क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। पेट के बल यदि आप लेटोगे तो जो आपका ब्लड फ्लो है वो लंग्स की तरफ जाएगा। तो लंग्स की तरफ जैसे आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा जाएगा, आपकी ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में ज़्यादा जाएगी, इससे क्या है कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मजबूत होगा। तो जैसे ही आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी और जो कोविड से आपको लड़ने में ताकत मिलेगी। क्योंकि जो उसके अटैक होता है लंग्स पे होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जैसे ही आप पेट के बल लेटोगे, आपकी मर्जी है कितने देर लेटना है, जब तक आप कंफर्टेबल हो तब तक आप लेटिए। जब आपको लगे कि मुझसे नहीं लेटा जा रहा तो आप पीठ के बल भी लेट सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेट के बल लेटना है, क्योंकि इससे आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मजबूत होगा, वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट है, आपको विटामिन सी और विटामिन डी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। विटामिन सी, आप जितने भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन सी होता है, जैसे ऑरेंज है, नींबू है, इनमें विटामिन सी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अब अपनी डाइट में विटामिन सी, यदि आप ये नहीं कर सकते हो, आजकल मार्केट में विटामिन सी और विटामिन डी के सप्लीमेंट आते हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी का, किसी भी अच्छे ब्रांड का, या अपने जो डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे भी आप लिखवा सकते हो। अपनी डाइट में विटामिन सी और विटामिन डी की आपको प्रचुर मात्रा में लेनी है, क्योंकि विटामिन सी और विटामिन डी से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और जो इस लड़ाई से आप लड़ रहे हो उसमें आपको ताकत मिलेगी और आप उस अपने दुश्मन को आराम से हरा सकते हो। नेक्स्ट है, आपको अपना जो मूड है वो पॉजिटिव रखना है। बहुत बार हम देखते हैं जब हमारे पास पेशेंट आता है जो हमारे रिलेशन में भी है या बहुत से दोस्त है जो कोविड पॉजिटिव हैं, वे कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाते हैं, मतलब अपने आप को बहुत टेंशन में ले जाते हैं, डर जाते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ये सबसे बड़ा काम है। आप जब
तक आप डटे रहोगे ना तो आपकी जो दुश्मन है आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, बल्कि आपको अपने मूड को ठीक रखना है। इसके लिए आप कोई भी मूवी देख सकते हैं, और मूवी स्पेशली आप कॉमेडी मूवी देखें तो बेस्ट है। आजकल तो इतनी नेट पे इतनी मूवी आती है, नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, कहीं पे भी आप देख लीजिए, कॉमेडी मूवी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। किताबें पढ़े, और किताबें भी वो पढ़े, मोटिवेशनल बुक पढ़े, आपको आराम से मिल जाती है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। अपने यारों दोस्तों से बात करें, चैट करें, वीडियो कॉल करें, उन दोस्तों से बात करें जिससे आपने बहुत साल पहले बात की थी। कहने का मतलब आप वो काम करें, बिल्कुल फ्री टाइम हो अपने, कह सकते हैं आप उसको इंजॉय कर सकते हो, ना कि आप इसमें घबराओगे, टेंशन में रहोगे। क्योंकि जैसे ही आपका मूड पॉजिटिव रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी। इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वे सेल्स तैयार करते हैं, वे इम्यूनिटी सेल्स तैयार करते हैं, जिससे कि जो कोविड है, मतलब जो आपका दुश्मन है, उसको हरा सके। मैं उसको दुश्मन इसलिए बोल रहा हूँ कि वो वाकई दुश्मन है और आपको इससे लड़ना है। यदि आप ऐसे काम करोगे, पाँच काम हैं, यदि आप ऐसे काम करोगे तो आप देखना कि आप कितनी, आपकी बॉडी कितनी जल्दी रिकवर होगी। क्योंकि जो मेरे पेशेंट हैं या जितने भी हमारे रिलेशन में जो कोविड पॉजिटिव हैं आज के समय, उनको मैं जरूर ये सलाह देता हूँ। तो जब ये सलाह मानते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ आपको कुछ और काम करने, तो रेगुलर आप गरारे करें, मतलब गर्म पानी के गरारे करें, गर्म पानी पिए, ठीक है ना। कोई काढ़ा भी बना सकते हो घर में, काढ़ा आजकल मार्केट में भी काढ़े आते हैं, काढ़ा भी आप पी सकते हो, लेकिन गर्म पानी तो आप जरूर पिए, 4 से 5 गिलास। यदि आप अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हो, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अल्कोहल बंद करना है, सिगरेट बंद करना है, किसी तरह का तंबाकू आपको नहीं लेना है बिल्कुल भी। ऑक्सीमीटर अपने पास रखें, अपनी ऑक्सीजन लेवल का आप रेगुलर चेक करते रहिए, मतलब 90 से ऊपर, 90 से कम नहीं जाना चाहिए, 90 से ऊपर है तो नॉर्मल है। ऑक्सीमीटर आपके पास होना चाहिए, एक थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप अपने फीवर को चेक करते रहें। तो ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको बताई हैं, कुछ आपको ये अनुभव है जो मैं आपको शेयर किए हैं। बहुत सी मैंने इसके बारे में रिसर्च की है, बहुत सी वीडियो किताबें पढ़ने के बाद, बहुत से डॉक्टरों से कंसल्ट करने के बाद मैं आपको इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। बहुत ईजी है, इतना हार्ड नहीं है, बस आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। देखना अपने आप माइंड को पॉजिटिव रखोगे, जो मैंने आपको काम बताया है, जो ये चीज़ें बताई हैं, जो ये सलाहें बताई हैं, यदि आप इन पर अमल करोगे तो आप देखना आप इस अपने दुश्मनों को कैसे हरा सकते हो, इस महामारी से कैसे बच सकते हो। और आप देखना 14 से 15 दिन या 16वें दिन आपकी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नेगेटिव आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाओगे, जब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी कुछ दिन बाद आप पहले जैसे हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको जो ये वीकनेस है पूरी ज़िंदगी रहेगी, ऐसा नहीं है। बहुत से पेशेंट है रिकवर हो गए, अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपकी जो वीडियो, जो मैंने वीडियो बनाई है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। और तब भी कोई क्वेश्चन है या कोई बात समझ में नहीं आती है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, बेफिक्र होकर आप हमें कॉल कर सकते हो या और हमें मैसेज कर सकते हो। और मैंने तो एक मेडिसिन भी तैयार की, एक तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन है, प्रिवेंटिव मेडिसिन है। यदि आप उसको ले लोगे या अपने परिवार में सबको दे दोगे तो कहीं ना कहीं आप इस कोविड से बच भी सकते हो। क्योंकि जिसको हमने दिया है तो कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, लेकिन ये 100% नहीं है। लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पेशेंट को दिया है या जितना मैंने इसके ऊपर काम किया है, तो कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। तो यदि आपको ये दवाई चाहिए, बिल्कुल फ्री में दवाई है, इस दवाई का कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ मैं, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर है या तो आप कॉल कीजिए या हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी मेडिसिन मंगा सकते हैं। थैंक यू।